नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतैली पंचायत स्थित बलिरामपुर गांव में विगत 6 माह से बंद पड़े एक गोदाम के पास खड़े एक ट्रक में जनवितरण का चावल होने की सूचना पर पहुंची उजियारपुर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर के हवाले कर दिया। जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने उक्त ट्रक की जाँच की तो उक्त ट्रक में सैकड़ों छोटे बड़े चावल के पैकेट पाए गए, जिसकी जानकारी उजियारपुर पुलिस ने अंचलाधिकारी उजियारपुर अजीत कुमार झा को भी दे दिया। सूचना मिलने के बाद मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे मौके पर पहुंचे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने ट्रक पर लोड चावल के पैकेट का निरीक्षण करने के बाद गोदाम को भी खुलवाया, जहां संदिग्ध रूप से सैकड़ों चावल के छोटे बड़े पैकेट रखे मिले, जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने उजियारपुर पुलिस के सहयोग से ट्रक को जब्त कर लिया तथा उक्त चावल गोदाम को सील कर दिया। इस मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उजियारपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पतैली पंचायत के बलिरामपुर गांव में संचालित चावल गोदाम के पास एक छत्तीसगढ़ नंबर के ट्रक पर जनवितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाने वाला चावल लोड है, जिसकी सूचना मिलते ही उजियारपुर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच ट्रक को चावल सहित बरामद कर इसकी सूचना अंचलाधिकारी उजियारपुर अजीत कुमार झा व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर रंजित कुमार झा को दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रंजीत कुमार झा ने ट्रक पर लोड चावल व गोदाम में रखे चावल पर आशंका जाहिर करते हुए सभी चावल को जब्त करके जांच में जुट गई है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रंजीत कुमार झा का बताना है कि उजियारपुर पुलिस के द्वारा एसएफसी व कालाबाजारी का चावल होने के शक में बलिरामपुर गांव के गोदाम के पास से एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिस ट्रक पर लोड चावल प्रथम दृष्टया 45 ही नजर आ रहा है। अभी तक इस गोदाम के मालिक द्वारा इस चावल से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उजियारपुर रंजीत कुमार झा का यह भी कहना है कि चावल मिल संचालक का यह बताना है कि वह पैक से धान की खरीदारी कर उसका चावल निकाल कर गोदाम में रखते हैं, जबकि ट्रक पर लोड चावल के बारे में मिलर का बताना है कि यह 45 चावल है जिसे बंगाल से खरीदे हैं, लेकिन वे प्लेन अरबा चावल है, उसमें 45 के ट्रेसेज नहीं मिले हैं। हालांकि रात के अंधेरे में सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि यह अरबा चावल है जिसमें FRK का अंश नहीं है। जांच जारी है, अभी मिलर सह गोदाम मालिक शक के दायरे में है, जांच उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्यवाही संभव होगी की जाएगी। वहीं इस संबंध में भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार का कहना है कि उजियारपुर बाजार के एक व्यवसायी के यहां कल रात में पुलिस ने छापामारी कर करीब 400 बैग काला बाजारी का चावल पकड़ कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सौंप दिया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रंजीत कुमार झा राशन माफिया से अवैध मोटी रकम की उगाही कर उसे बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अगर उक्त राशन माफिया के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है तो भाकपा माले आने वाले दिनों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वाले में एफआरके मिक्स कहाँ आ रही है? तो प्लेन एकदम अरवा चावल है। हम सर खरीद के मंगाए। आप क्या मंगाए हैं? हमारे सामने ये एफआरके चावल नहीं जी, जो हाँ ये एफआरके चावल नहीं है और यहाँ पे आकर हम खरीद के मंगाए। जो बिल है मेरा सर राइस एफआरके है, तो एफआरके ये कम से कम नहीं है। दिक्कत नहीं करेगा? ये बीज में खरीदा हुआ माल है। बीज में FRK राइस अलग होता है, प्लेन राइस अलग होता है। FRK राइस है। तो ये आपका फिर अरबा में FRK कैसे मिक्स हो गया? सरकार जो 2900 में बीज दिया सर, गेहूं भी दिया और चावल भी दिया, 2900 में तो सरकार के गोदाम से FRK मिले के ना आया था ना, बंगाल से यहाँ आया सर लोकल। वो आप FRK उसमें लाए कि अरवा लाए? अरवा ये अरवा लाए। अगर उसमें तो मैं लक्ष्मी इंडस्ट्री का बोलूँगा। FRK उसमें कहाँ मिक्स दिख रहा है? है सैंपल निकलवाइए कि प्लेट में वो बोमा मार के सैंपल निकलवाइए। एक गोडाउन के संबंध में हमारे जो CO उजियारपुर है, पहले उनका फ़ोन आया, फिर यहाँ के थाना प्रभारी जो हैं बड़ा बाबू, उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि FCI का या सरकारी खाद्यान्न वहाँ पर उपलब्ध हो सकता है या कालाबाजारी की जा रही है। तो इसी के संदर्भ में मुझे जब ये आया है जानकारी में, तो मैं यहाँ आया हूँ और इसका जांच अभी शुरू हुआ है।
इसमें इनके द्वारा और जो भी मिलर हैं या ये जो व्यापारी हैं इनके द्वारा जब कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे तो उसके पहलू पे हम लोग देख पाएंगे कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पैक्स के अगेंस्ट में इन्होंने धान लिया था और फिर चावल का कुटाई किया है। ये चावल है जो यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस है, ये क्लियर है। दूसरा ट्रक पे जो लोडेड है उसके संबंध में कहा जा रहा है कि ये फोर्टिफाइड राइस है और बंगाल से इन्होंने खरीदा है, लेकिन वो प्लेन अरबा चावल है, उसमें फोर्टिफाइड के कुछ ट्रेसेज नहीं मिले हैं। रात के अंधेरे में शायद बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट है कि वो अरबा चावल है जिसमें FRK का अंश नहीं है। सुबह में दिन की रोशनी में इस पर बेहतर हम लोग देख पाएंगे और उसके बाद जब्ती और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी तक प्रथम दृष्टया ये साक्ष्य स्थापित नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके द्वारा जो पश्चिम बंगाल का चावल खरीदारी जो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ऑक्शन में लिया गया है उसका कागज हमारे सामने रखा गया है जिसमें राइस FRK लिखा हुआ है और ये गाड़ी पे लोडेड है, वो उस अरबा चावल में FRK मिक्स नहीं। तो अभी ये शक के दायरे में हैं और इसका जांच के बाद हम लोग ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। इनके द्वारा कागजात प्रस्तुत किए जाने के बाद इनसे उस ऑक्शन का पेपर मांगा गया है जिस ऑक्शन के आधार पर इन्होंने खरीदारी की है। जिस गाड़ी से सर माल मिला अभी उसको जब्त भी किया गया क्या अभी? अभी हम लोग अभी थाने के निरीक्षण में रहेगा। अभी तक हम लोगों ने उसको प्रॉपरली कागजी तौर पे जब्त नहीं किया गया है, इसको निरीक्षण के दायरे में रखा गया है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, मजदूर है नहीं और कुछ और जो बोरे गोदाम में रखे हुए हैं उनके जांचों परांत आवश्यकता होगी तो उनको सीज करके सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा।